पैथोलॉजिकल uh, इलनेस को पढ़ते हैं प्रॉपर पैथोलॉजिकल इलनेस को जब हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है या हार्ट अटैक है या इस तरह की जो बेसिक बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं कार्डियोमायोपैथी है इन चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो चार पांच मेन बातें हमने पैथोलॉजी में देखनी होती हैं द फर्स्ट थिंग दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इजोलॉजी ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा नंबर टू दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पैथोजेनिस सो एटियालॉजी है तो आप लोगों को पता होगा अब तक कि इट मीनस द काज ऑफ द डिजीज़ और जहाँ तक पैथोजेनिस का ताल्लुक है इसका मतलब मेकेनिज्म के कॉज तो चलो हमें पता चल गया कि इस वजह से हो रहा है बट मेकेज़म का मतलब ये होता है कि वो इल्नेस बॉडी के अंदर नॉर्मल चीज़ ख़राब कैसे हो रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या है इस बात का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल चीज़ का भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल होती क्या है तो so, अगर हम स्किन के बारे में मिसाल के तौर पर पढ़ें तो स्किन में हमें आइडिया होना चाहिए कि स्किन के अंदर क्या क्या नॉर्मल उसके स्ट्रक्चर होता है क्या क्या उसका नॉर्मल फंक्शन होता है ठीक है सो पैथोलॉजी दबजेक्ट इट सेल्फ इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन द बेसिक साइंसिस जो शुरू में आपने पढ़ी हैं फर्स्ट सेकंड ईयर्स में यानी कि एनाटमी फिजियोलॉजी वगैरह उसको ये जोड़ता है आपकी हायर सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि मेडिसिन वगैरह के साथ सो so, इसलिए आपको थोड़ा सा ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप ये अच्छी तरह से कर लें तो आपकी जो ग्रिप है या आपका जो ग्रास है वो पिछले सब्जेक्ट्स पे भी अच्छा हो जाएगा और अगले आने वाले सब्जेक्ट्स पे भी अच्छा हो जाएगा ठीक है सो आफ्टर दिस पैथेनिस सो so, मॉर्फोलॉजी का मतलब तो होता है स्टडी एंड स्टडी ऑफ सॉरी स्टडी ऑफ द शेप एंड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ठीक है सो यहाँ पे शेप एंड फॉर्म क्यों पढ़नी होती है यहाँ पे हमने इसलिए पढ़नी होती है बिकॉज हमने देखना होता है कि जो बीमारी हो रही है उससे उससेडाई से क्या क्या मसले नज़र आ सकते हैं रोज मॉर्फोलॉजी कहते हैं और हम उस ऑर्गन को जिसमें बीमारी हो गई है अगर हम उसे कार्ड के स्लाइड के नीचे रख के देखेंगे तो क्या कुछ नजर आ सकता है सो देर इज हिस्टोपैथोलॉजी राइट सो देर इज ग्रोस मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने की थी तो so एनाटॉमी जो कि सारी मेजर चंक ऑफ एनाटॉमी था एंड देन यू सी बिनीथ अब हिस्टोलॉजी यहाँ पे ज्यादा करवाते नहीं आई थिंक क्योंकि फिलहाल इतनी ज्यादा डिटेल चाहिए नहीं होती लेकिन दीज आर थिंग्स इन पैथोलॉजी अगर आप आपको हिस्टोलॉजी अच्छी तरह से पता है स्लाइड अभी शो होती है, दो हैं दो मिनट हट दिन ये सिर्फ मैं वैसे बता रहा हूँ आपको ठीक है सो इटलॉजी पैथोजे मॉरफोल ग्रोस मॉरफोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी एंड वट एल्स इसके अलावा आपको पता चल जाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स जब आपको ये पता है कि एक ऑर्गन का ये फंक्शन है और नॉर्मल फंक्शन ऐसा होता है तो जब आप उसके अंदर आ, उसको उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ लेंगे जब आप उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे कि स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है या ख़राब हो जाता है या ये ऑर्गन बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है तो आपके अपने जहन में ख़ुद ब खुद बाखुद उसके साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा अगर ये लिवर यहाँ पर पड़ा हुआ था आपके कहाँ पर होता है लिवर राइट हाइपोकड्रीम में होता है ना अगर लिवर राइट हाइपोकड्रीम में पड़ा हुआ था हाइपोकड्रीम में

ठीक है और डायग्नोसिस के अंदर लैब्स और इमेजिंग स्टडीज तो जब आपको मॉर्फोलॉजी पता चल गई है आपको हिस्टोपैथोलॉजी पता चल गई है तो डायग्नोसिस का भी आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये वाला अगर मैं लैब टेस्ट करवाऊंगा तो इसके अंदर मुझे ये ये रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे अगर मैं ये वाला लैब टेस्ट करवाऊंगी तो मुझे इसके अंदर ये ये चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी ठीक है इमेजिंग स्टडीज में आपको पता चल जाएगा अगर मैंने इसका सी ऑर्डर किया और अगर इसकी लेवल में पैथोलॉजी है तो इसका लेवर बड़ा नजर आ सकता है या अगर सिरोसिस हो रहा है सिरो में किसी वजह से तो इसका लेवर छोटा ना तो अब फिर आपको डायग्नोसिस में भी हेल्प होनी शुरू हो जाती है कभी कभार कभी कभार आप लोग साथ, साथ थोड़ी सी इसकी ट्रीटमेंट भी पढ़ लेते हैं ठीक है इस रेयर डजेंट हैपन नॉर्मली बट आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है आप वो पढ़ोगे इन योर मेडिसिन या सर्जरी की जब सब्जेक्ट्स आप उठाओगे तो लेकिन उसके लिए भी आप मेडिसिन या सर्जरी के लिए भी ये जो पहली चार पांच चीज़ें हैं ये आपको उचित आनी चाहिए ये रिपीट होंगी वेन यू आर गूव टू द हायर सेमेस्टर्स ये जो मैंने पहले पाँच पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे के सारे रिपीट होंगे बस सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि ट्रीटमेंट भी रिपीट होगी क्योंकि ट्रीटमेंट आप फार्मोकोलॉजी में पढ़ चुके होंगे आपने उसको रीअरेंज करके लिखना है कि पहले कौन सी ट्रीटमेंट है गाइडलाइंस क्या कहती हैं कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फिर क्या ट्रीट करते हैं वो आप चीज़ पढ़ोगे मेडिसिन वगैरह में लेकिन ये बेसिस इतनी बन जाती है आपकी सो दैर इज दिसंपॉर्टेंट और अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लो तो हाफ योर वर्क बल्कि मोर देन हाफ योर वर्क इज डन So, can you please tell me the names of first two points I was having an issue? Beta names of first two first is etiology. The second is pathogenesis. Pathogenesis of the disease. So disease is normal, abnormal, and etiology that cause. All right, so these are the five headings or six headings at times which you are going to keep in mind every single time in the body, body, body. छोटी छोटी बीमारियां जो है इसमें आपको पूरी तरीके से बेशक ना बताया जाए अच्छा तो यहाँ तक समझ आ गई है आपको um, अच्छा yes, कि ये जो इस, इसमें जो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है दे आर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट जो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको बेसिकली फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट के यूज से मिलते हैं मोस्टली ठीक है और भी सनारी बन सकते हैं बेसिक के बन बन सकते हैं, भी बन सकते हैं हैं भी लेकिन जो पैथोलॉजी के या जो असल सनारियोज़ हैं जो वाकई बीमारी वाला सेनारी है जो कि जैसे सनारी होना चाहिए जब मरीज आया आपको आगे इस तरह की बातें बताएगा वो हस्पताल में तो वो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताया जाता so, है तो अगर आपने अच्छी तरह से ये किया हो सॉल्व करना पैथोलॉजी वाले बच्चों के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत आसानी से आप सनारियोज हैं वो फिगर आउट कर सकते हैं आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें आपने ख़ुद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं और उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से मुख्तलिफ सिनेरियो बेस्ड कोशन्स बन सकते हैं ठीक है मैं आपको थोड़ी सी उसमें गाइडेंस दूंगा, ताकि आप लोगों का जो स्नैरियो वाला डर है ये ख़त्म होना शुरू हो अच्छा इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर तो so, बहुत बेसिक्स ही बातें पढ़ाऊंगा मैं आज शुरू के दिन और सब so, देखें जब भी आपने किसी चीज को पढ़ना है आपने उसकी बेसिक्स पहले देखनी है कि नॉर्मल क्या होता है जब आपको नॉर्मल अच्छी तरह से पता होगा तो फिर उसके बाद आपको अब नॉर्मल पता होना शुरू होगा पता चलना शुरू होगा सो नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जब हम स्किन का देखते हैं तो एक तो ये इतना बड़ा ऑर्गन है टोटल में एपिडर्मिस आती है तो एपिडर्मिस के अंदर नॉर्मली फाइव लेयर्स होती हैं जो खुद ब खुद रीजनरेट होती रहती है और गिरती रहती हैं रीजनरेट होती रहती हैं फिर गिरती रहती हैं ठीक है एंड देन डीपर स्किन

वेसल्स हैं ब्लड वैसल्स हैं वो डर्मिस तक आ रही होती हैं एपिडर्मिस में ब्लड वैसल नहीं आ रही होती हैं अगर एपिडर्मिस में ब्लड वेसल आ रही हों तो क्या होगा जब ये स्किन शेड होगी या ये जो लेयर्स गिरेंगी तो खून निकलना शुरू हो जाएगा ऐसा होता नहीं है रेयर डिजीज हो लेकिन नॉर्मली जो आ, ये जो आ, इसकी वेसल्स हैं वो डर्मिस तक होती हैं मेनली फिर उसके अलावा आपको क्या नजर आते हैं फिर आपको हेयर फॉलिकल्स नजर आते हैं हेयर रूट नज़र आती है हेयर फॉलिकल्स नज़र आते हैं उसके अलावा आपको फॉलिकल क्या होता है जहाँ से हेयर उगना शुरू होता है ग्रो करना शुरू करता है फिर उसके अलावा आपको क्या नजर आता है फिर आपको ग्लैंड नज़र आते हैं ठीक है विच आर ट्यूबुलर कॉन्वल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो फिर आगे मिसाल के तौर पर स्वेट ग्लैंड है या स्पेशस ग्लैंड है ठीक है वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन जो है ऊपर एपिडर्मिस पे छोड़ते हैं अच्छा फिर उसके अलावा आपको और क्या नज़र आता है नर्व एंडिंग्स नज़र आती हैं ठीक है थीके? जो स्किन से सेंसेशन लेके जाती हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ मेजर नर्व्स फिर उसके अलावा आपको वेसल्स तो मैंने आपको बता दी हैं आर्टरीज अलावा मसल्स होते हैं जो बहुत बहुत छोटे मसल्स होते हैं जो ग्लैंड को सिक्रीशन में हेल्प करते हैं या कई दफ़ा हेयर रेक्शन में हेल्प करते हैं जो गूज बम्स होते हैं तो हेयर आपके फॉलिकल हल्का सा सख्त हो जाते हैं तो देर इज एन ऑटो ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो स्टिमुलेट uh, होते हैं और उसके थ्रू जो है वो उनके फंक्शन पर अफेक्ट पड़ता है इसके अलावा वी हैव ऑयल ग्लैंड एंड वी हैव कॉर्पसल्स कारपसल ये वो वाली कॉर्पसल्स हैं जो बेसिकली नर्व एंडिंग्स के एंड पे होती हैं अगर आपने न्यूरो पढ़ी हो तो आपने उसमें कॉर्पसल्स का नाम पढ़ा होगा नर्व एंडिंग्स के एंड पे ये आपको रही होती हैं बाकी इसके अलावा तो मेन चीज़ कोई नहीं है अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर आपके जहन में है तो आप जब बीमारियाँ पड़ोगे तो आपको पता चल सकता है कि कौन से एरिया में अगर कुछ हो रहा तो है तो मसला हो सकता है यहाँ पे क्या क्या मसले हो सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ब्लड वेसल्स में मसला हो सकता है नर्व एंडिंग्स में मसला हो सकता है इन लेयर्स में मसले हो सकते हैं कोई स्किन के ऊपर मसला हो सकता है हेयर फॉलिकल्स में मसले हो सकते है। हैं हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो सकता है फिर इसके अलावा स्वेट स्वेटिंग के ऊपर मसले हो सकते हैं स्वेट क्लैंड के मसले हो सकते हैं नॉर्मली स्वेटिंग इज़ एन ऑटो ऑटोनॉमिक फंक्शन यानी कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा होता है ठीक है अच्छा वन थिंग आई मिस सबकुटेनियस टिशू सबकुटेनियस इज बेसिकली डर्मिस के बिल्कुल नीचे का मतलब होता है स्किन डर्मिस के बिल्कुल नीचे वी हैव दिस फैट फिल्ड एरिया ठीक है थोड़ा सा फैट होता है इसके नीचे जो जो हजरात और खातन थोड़ी ज्यादा मोटी होती हैं उनकी जो ये सबकोटेनियस टिशू के फैट है ये थोड़ा ज्यादा होता है ठीक है सो so, ये इसकी बेसिक चीजें हैं मीरो क्राइन एन और दरमियान और और वो फर्क ये होता है कि वो स्वेट ग्लैंड जो है या जो सभी ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन रिलीज कैसे कर रहे हैं कुछ ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन ऐसे रिलीज करते हैं कि यहाँ पे बनी सिक्रीशन और यहाँ से जाके पूरी ट्यूब से जाके बाहर निकल गई ठीक है तो कुछ सेल्स रिलीज होते हैं बिकॉज इज 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 अ अ सिक्रीशन एक्चुअली सेल सेल ठीक है एंड रिलीज फिर कुछ of, of, from a cell. कुछ ऑफ ऑफ फ्रॉम से तो खाली वेजिकल्स निकल रहा है सेल इंटेक्ट रह रहा है कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं कि इसमें सेल टूट के गिर रहा है और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसमें ग्लैंड का कुछ हिस्सा टूट के गिर रहा है वो उसकी सिक्रीशन है बट ग्लैंड इट सेल्फ इज तीन you चार्लाफिकेशन know, kind of, uh, so kind of, uh, uh, होती हैं ठीक है नॉट गो इन दैट डिटेल अभी बट फिलहाल आपके सवाल का जवाब अच्छा एक दफा आपने पिक्चर देख ली अच्छा डाइग्राम्स की इम्पोर्टेंस बेटा बहुत ही ज्यादा है वो पैथोलॉजी हो वो कोई भी मेडिकल साइंस हो अनाटमी थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फिजियोलॉजी में भी आपको पता ही होगा डायग्राम्स हा आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा देती हैं सो so, अगर आपको कहीं पर डायग्राम नज़र आ जाए आपने उस डायग्राम के साथ टाइम स्पेंड करना है यू विल नॉट रिग्रेट अ सिंगल सेकेंड स्पेंड विद डायग्राम एंड यू विल नॉट रिग्रेट अ सिंगल सेकेंड एक्स्ट्रा सेकेंड्स भी अगर आप उस पर लगा दो तो आप उसको भी रिग्रेट नहीं करोगे बिकॉज इट विल हेल्प यू Revise and review your subject easily. अच्छा सो सबकुटेस लेर्स में क्या होता है बिल्कुल नीचे कनेक्टिव टिशू आ जाती है कनेक्टिव टिशू से नीचे मसल्स आ जाते हैं और फिर इन लेर्स में ऑब्बियसली थोड़ी सी तो डरमिस में जा रही होती हैं वैसल्स लेकिन इससे नीचे वेसल्स फिर काफ़ी ज्यादा होती हैंटिक वैसल्स भी होती हैं और फिर डरमिस के अंदर ऑब्वियसली हेयर फॉलिकल स्वेट लैंड भी आते हैं इसके अलावा एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ मसले हो सकते हैं हेयर होते हैं स्किन के अपेंडेज में नेल्स ठीक है हेयर तो हमने अभी देख लिया नेल्स होते हैं ग्लैंड आपको बता दिए बेसिस एंड एपोक्राइन गए एक और वर्ड आ गया एपोक्राइन एक्राइन मीरोन अच्छा वट इज़ द फंक्शन बहुत सिंपल सा है पूरी बॉडी को कवर कर रही है तो प्रोटेक्शन है इम्यून फंक्शंस को रेगुलेट करती है थर्मो रेगुलेशन uh, विटामिन सिंथेसिस कुछ विटामिन सिंथेसाइज होती हैं खास तौर पर विटामिन डी का स्किन के साथ बड़ा रोल है सेंसरी रिसेप्टर होता है सीएनएस के लिए नर्वस सिस्टम पे आपकी सेंसेशंस देखी जाती हैं ठीक है और इसके अलावा वी हैव फ्लूइड बैलेंस फ्लूइड एब्जॉर्बशन एंड एवेपोरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग और इसके अलावा एस्थेटिक फंक्शन आई डोंट थिंक सो दैट्स सच अ बिग फंक्शन बट इट इज अ फंक्शन अच्छा जी वी हैव अब हमने देखना है कि स्किन इंटेग्रिटी स्किन इंटेग्रिटी का मतलब है कि स्किन जो पूरी की पूरी आपकी बॉडी पे है वो कहीं से कट ना लगे उसमें या कुछ ब्रेक ना आए स्किन के अंदर तो कौन सी चीज़ है जो उसके अंदर ब्रेक्स ला सकती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्किन की कंटिन्यूटी को या स्किन की इंटेग्रिटी के अंदर मसले क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट वन इमोबिलिटी इमोबिलिटी का मतलब है अगर कोई इंसान हिले जुले ना या लेटा रहे या बैठा रहे और बहुत देर बैठा रहे बहुत सारे जो ज्यादा वेट के लोग होते हैं ओबीज़ लोग होते हैं दे डू नॉट वॉक देकी इमोबिलिटी उन या yeah, अल्सर का मतलब क्या होता है अ ब्रेक इन द स्किन Can you guys hear me or not? Yes, sir. yes, sir. Okay. okay. I think it got disconnected. Just a second. Alright, so I was telling you about the factors that can influence the continuity of the skin. Skin may break. One of the most important factors is immobility. तो so, immobility का मतलब क्या होता है immobility का मतलब ये है कि किसी भी रीजन की वजह से बंदा ज्यादा मूव नहीं कर रहा वन ऑफ द रीजन आई जस्ट वाज अ वेरी ओबीज पर्सन बहुत मोटा बंदा ठीक है वो ज्यादा हिलता जुलता नहीं है तो immobility होती है द अदर रीजन इज बेड रिटर्न पेशेंट किसी वजह से पेशेंट जो है वो लंबे अरसे के लिए बेड पे लेट गया है तो उससे क्या होता है प्रेशर सोर्स बन जाते हैं सोर का मतलब क्या होता है अल्सर या कोई छाला या कोई कट विच इज़ नॉट एग्जैक्टली अ कट बट इट्स अ ब्रेक इन द इंटेग्रिटी ऑफ स्किन या कंटिन्यूटी ऑफ स्किन प्रेशर की वजह से स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता पड़ता जाता है पड़ता जाता है कि वहां से वो हल्का हल्का टूटना शुरू हो जाती है ठीक है अब ये जैसे बेड रिटिन पेशेंट के बारे में बात की है और वो बेडन पेशेंट जो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर सकता मिसाल के तौर पर किसी की सर्जरी हुई है या मिसाल के तौर पर Uh, किसी का कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो काफ़ी देर तक उसको पर एक जगह बैठना पड़ा तो ये लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं और कौन सी चीज़ पे कौन सी जगह पे ये सोर्स बन सकते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा प्रोमिनेंट एरियाज पे ठीक है जहाँ पे वेट ज्यादा होगा मिसाल के तौर तो पर जैसे बंदा लेटा हुआ है तो अगर वो लेटा हुआ है तो अगर वो सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ है प्रोन पोजिशन में लेटा हुआ है नॉर्मली सुपाइन में लेटा होगा तो उसकी जो बैक है वहां पे ज्यादा प्रेशर प्रेशर पड़ सकते हैं और बैक के ऊपर इवन ग्लूटियल रीजन या बटक्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है लेकिन जहाँ जहाँ वेट पड़ रहा है उसका उस पोजिशन के अंदर जो उसकी मोबाइल पोजिशन है वहाँ वहाँ आपका प्रेशर पड़ सकता है और उस प्रेशर से फिर सोर्स डिवेलप हो सकते हैं होता क्या है कैसे डिवेलप होते हैं नाउ दिस द फर्स्ट पार्ट दस्ट टोल्ड यू दीज फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स ये जो फैक्टर्स होते हैं या रिस्क फैक्टर्स का जब आप नाम सुनोगे इसको आपने इटियालॉजी के अंदर लेबल करना है क्योंकि ये कॉज है ठीक है ये बीमारी का कॉज है अभी हम जो चीज पढ़ने लगे हैं देर इज प्रेशर प्रेश तो बीमारी का कॉज ये है ठीक है अब बीमारी होती कैसे है दिस इज द पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस ऐसे होता है कि बहुत लंबा प्रेशर जब पड़ रहा हो तो टिश्यू की जो परफ्यूजन होती है यानी कि जो उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है वो खत्म कम होना शुरू हो जाता है ठीक है बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो वेसल्स दब रही हैं बहुत जोर से दब रही हैं तो ब्लड वहां तक नहीं पहुंच रहा जब ब्लड वहां तक नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या हुआ ऑक्सीजन नहीं पहुंची न्यूट्रिशन नहीं पहुंची तो स्कीमिया हो गया ठीक है और इन्फॉर्शन हो गई इन्फॉर्शन इन्फॉर्शन हो गई ठीक है और कितना प्रेशर चाहिए इस इस मसल, ये चीज होने के लिए ये मसला होने के लिए ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्किन किस तरह की है क्या एज है स्किन के अंदर एज की वजह से कुछ चेंजेस आती हैं तो जो यंग पेशेंट्स की स्किन होती है वो ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट कर सकती है यंग पेशेंट्स की स्किन स्किन वेल न्यूट्रिश होती है तो ये एक तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं यानी उसके आसपास पास जो सी चीज़ें हैं जिस तरह से वो लेटा हुआ है जिस तरह से बैठा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर होगा तो ब्लड फ्लो पर होगा सो दिस इज द पैथजेनेसिस एंड और प्रेशर के क्या क्या फैक्टर्स हैं कितनी देर प्रेशर पड़ रहा है कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है बॉडी की क्या पोजिशन है फ्रिक्शन कितनी हो रही है मोबिलिटी कितनी है थोड़ी बहुत हो रही है नहीं हो रही और न्यूट्रिशन वैसे कितना खाना पीना खा रहा है पेशेंट और डिहाइड्रेशन तो नहीं है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ये कॉज कर सकती हैं अच्छा अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये अब आपने एटियोलॉजी बता दी जैसे बता दिया तो बाकी चीज़ें कहाँ पे हैं देखो डायग्नोसिस हो जाएगा जब आप स्किन को देखोगे और उसके ऊपर प्रेशर सोर्स आपको कटे हुए नजर आ रहे होंगे तो वो मॉरफोलॉजी भी हो जाएगी और डायग्नोसिस भी हो जाएगा जो साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक इस बात पे होगा कि कितना ज्यादा कट लगा है अगर सॉरी कितना ज्यादा ब्रेक आया है अगर ब्रेक इतना आया है कि वेसल्स तक जा रहा है तो हल्का हल्का आपको ब्लड नजर आना शुरू हो जाएगा ठीक है या उसको जलन होनी शुरू हो जाएगी वहां पे जिस तरह से फ्रिक्शन हो रही है उस तरह से वहां पे जलन होना शुरू हो जाएगी ठीक है लेकिन आम तौर पर ऐसे बेड रिडन पेशेंट्स को या ऐसे पेशेंट्स को पता नहीं होता कि उनके सोर्स बन रहे हैं उनको ख़ारिश होना शुरू हो सकती है इचिंग हो सकती है लेकिन नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है ठीक है so, सो नॉर्मली वो इतने सिम्टम्स बताएगा नहीं ऐसे पेशेंट्स को जब नर्सेज वगैरह या केयर टेकर्स आके जब देखते हैं इनकी पोजिशन चेंज करवाते हैं तो तब पता चलता है कि सोर्स हुए हुए हैं ठीक है अच्छा ये बेसिक बात हो गई इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी विद इन दिस लेक्चर इज द स्किन चेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद एजिंग एज के साथ कुछ कुछ चेंजेस इंसान की स्किन में आना शुरू होती हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज और बाकी बात पर कल की जाएगी या नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी सो स्किन चेंजेस क्या क्या हैं पहले तो ये चेंजेस होती क्यों हैं बेटा नॉर्मल एजिंग के साथ इंसान की बॉडी में कुछ चेंजेस होती हैं और आ, वो डिपेंड करती हैं वो कितनी जल्दी हो या कितना लेट हो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द जेनेटिक मेकअप इज़ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस ओवर हियर आपको लगता है कि जेनेटिक मेकअप कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इनवायरमेंट कैसे आओ सर डाइट से भी डाइट से ओके इसके अलावा सर सर एक्सपोजर टू सनलाइट एक्सपोजर टू सनलाइट ठीक है ठीक है रेडिएशन की वजह से यस आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एपिजेनेटिक्स या एपिजेनेटिक चेंजेस हैव यू एवर हर्ड दैट वर्ड नो सर सो एपिजेनेटिक एक पूरी फील्ड है जो काफी rapidly evolving field कि काफ़ी रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है दैट ओनली स्टडीज़ जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कि इवेंचुअली जीन के ऊपर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है इट्स अ फैसिनेटिंग फील्ड और अभी तक बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ नहीं आई हुई आपको ये तो पता होगा ए टाइलेशन होती है मिथाइलेशन होती है उसकी वजह से जीन्स टर्न ऑन होते हैं स्विच ऑन होते हैं स्विच ऑफ होते हैं लेकिन वो स्विचिंग ऑन या स्विचिंग ऑफ बाहर के इन्वायरमेंट से उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है दैट इसम्पॉर्टेंट और एपिजेनेटिक की जो तो पूरी फील्ड है वो इवेंचुअली इसके साथ डील करने की कोशिश करती है एनी वेज माई पॉइंट वॉज कि कुछ ना कुछ ताल्लुक इसका होता है कुछ हद तक एजिंग इज काइंड ऑफ अंडर योर कंट्रोल बट नॉट टू नॉट मोर देन दैट अच्छा फिर एक्सट्रें बाहर से कौन से फैक्टर्स हैं अल्ट्रा वायल्ट लाइट स्मोकिंग पोल्यूटेंट्स वगैरह दे द स्किन अच्छा क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं वक्त के साथ साथ इस डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं सर से लेकर पैर तक जाते हैं <coughs> सबसे पहले तो आदमियों में मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाती है यू नो व्हाट मेल पैटर्न कौन-कौन से लड़के मौजूद हैं इस क्लास में आदमी टकला होना शुरू हो जाता है बस क्यों होना शुरू हो जाता है सो दैर इज़ मेल पैटर्न बारनेस जो कि नॉर्मली इज़ कॉमन इन मैन फिर इसके अलावा पिगमेंटेशन जो स्किन का कलर है उसमें चेंजेज आने शुरू हो जाती है डिसकलर होना शुरू होती है कहीं पे स्पॉट्स बनना शुरू हो, हो जाते हैं ठीक है फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा फ्रैकल्स बनना शुरू होते हैं पहले जो फ्लॉलेस स्किन थी वो भी इतनी फ्लॉलेस नहीं रहती फिर उसके बाद ग्लैंड डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं एक्राइन एपोक्राइन सबेश ग्लैंड तो स्किन ड्राइनेस ज़्यादा होती है फिर मिलानोसाइट्स uh, जो वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेलन होती है जो आपकी स्किन को कलर दे रही होती है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और वो यू वी लाइट वगैरह के साथ प्रोटेक्शन uh, दे रहे होते हैं कुछ तो जो प्रोटेक्शन होती है वो फोटो या लाइट से प्रोटेक्शन या डेंजरस लाइट की प्रोटेक्शन वो कम होना शुरू होती है तो उसकी वजह से स्किन में मस्त होना शुरू हो जाते हैं फिर अलास्टिसिटी कम हो होनी शुरू हो जाती है जो अलास्टिन फाइबर्स हैं कॉलेजन फाइबर्स हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मतलब स्किन जो खिंच सकती थी और अपनी शक्ल लूज किए बग़ैर खिंचती थी अब उसकी शक्ल जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है टेक्सचर उसका पतला होना शुरू हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं और जब ब्लड वेसल्स कम होना शुरू हो जाती हैं तो थर्मो रेगुलेशन में मस्ले शुरू हो जाते हैं मतलब आपने कभी देखा होगा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा ठंड लग रही होती है ठीक है अक्सर वेशतर या उनकी टेम्परेचर सेंसेशन जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं आप कह रहे हो कि मैंने पंखा चलाना है और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि नहीं मतलब एल्डर्स कह रहे होते हैं कि नहीं बंद करो मुझे सर्दी लग रही है इट्स बिकॉज देयर मैकेर्मो रेगुलेशन आर गेटिंग ठीक है और ना सिर्फ थर्मो रेगुलेशन के अफेक्ट होते हैं अगर इंजरी हो जाए अगर कट लग जाए पहले वो इंसान जिसकी काफ़ी सारी ब्लड सप्लाई थी न्यूट्रिश बड़ी जल्दी वहाँ पर पहुँच रही थी ऑक्सीजन पहुँच रही थी अब जब उसकी स्किन उस तरह की नहीं रही तो फिर क्या होना शुरू हो गया जब उसकी स्किन इस तरह की नहीं रही तो फिर जो न्यूट्री न्यूट्रिशन पहुँचनी थी जो हील होना था वून वो इतनी जल्दी हील नहीं होता तो रिस्पांस टू इंजरीज डिक्रीज अच्छा फिर इसके अलावा कलर ऑफ द हेयर चेंजेस हेयर कलर चेंज के बारे में बात होती है हेयर हेयर का जो टेक्सचर होता है वो थिन होना शुरू हो जाता है ठीक है अलास्टिसिटी uh, अब ये लॉस ऑफ आईलेट अलास्टिसिटी अलग से लिखी हुई है बट जो भी बॉडी के अंदर अलास्टिसिटी अलास्टिक चेंजेस आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू द अलास्टिक चेंजेस ऑल ओवर द बॉडी आईलेट हो या कहीं पर भी हो ठीक है दैट इज बिकॉज अलास्टिन जो प्रोटीन है वो कम होना शुरू हो जाती है अच्छा सबकोटेनियस टिश्यू कम होना शुरू हो जाता है डर्मिस जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है तो जिसे कहते हैं ना टोल्ड स्किन नहीं रही ओल्ड एज में जाके वो इसलिए क्योंकि सबकोटेनियस टिश्यू कम हो जाता है फिर लोग बोटॉक्स इंजेक्शन लगा के उसको वापस मोटा करने की कोशिश करते हैं बट खैर दैट्स अनदर पॉइंट अच्छा अलास्टिन जब कम होना शुरू हो जाती है अलास्टिसिटी कम होना जब शुरू होती है तो रिंकलिंग शुरू हो जाती है ठीक है फिर लियन्स नज़र आना शुरू रहती हैं वेस्कुलर लियंस और वेस्कुलर लियंस के कुछ नाम हैं टलजैक्टीजिया चेरी एंजियोमा वगैरह वगैरह वो छोटे छोटे स्किन के ऊपर हल्के हल्के से लाल लाल से डॉट्स या स्पॉट्स नज़र आना शुरू होते हैं लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं ठीक है फिर उसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यानी कि जो सबकोटेनियस फैट है वो ज़्यादा हिप्स और वेस्ट लाइन के पास जाके जमा होना शुरू हो जाता है ठीक है तो बंदा डिसप्रोपोर्शनेटली मोटा होना शुरू हो जाता है अच्छा और चूँकि ब्लड फ्लो कम होता है जैसे आपको अभी इस पॉइंट पे बताया तो प्रेशर अल्सर्स वगैरह ज्यादा बन सकते हैं ठीक है स्किन चूंकि थिन हो जाती है तो तब भी प्रेशर अल्सर्स ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि वहां पे अभी बताया था ना प्रेशर अल्सर्स का मैकेनिज्म क्या था कि ब्लड फ्लो कम हो जाए तो फिर वहां पे इन्फेक्शन होती है ठीक है इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव सेंसेशंस सेंसरी रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं सो रिफ्लेक्सेस स्लो होना शुरू हो जाते हैं जो नर्व एंडिंग्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं जब वो नर्व एंडिंग्स कम होना शुरू हो जाती हैं तो पेन सेंसेशन कम होना शुरू हो जाती है रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स आर्ट्स होती हैं आपकी वो पूरी तरह से काम नहीं करती वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं और इसके अलावा माइटोसिस कम हो जाता है जब माइटोसिस कम हो जाता है तो फिर स्किन जो है वो नई जल्दी जल्दी रीजनरेट नहीं करती वो जो पांच लेयर्स फटाफट गिर रही थी और नई स्किन बन रही थी वो इतनी स्पीड से नहीं बन नहीं बनती जब वो स्पीड से नहीं बनती तो अगेन दैट काज प्रॉब्लम इन हीलिंग एंड ऑल्सो इन विटामिन डी प्रोडक्शन आपकी विटामिन डी की नीड्स पूरी नहीं हो रही होती वो फिर आपको बाहर से एक्स्ट्रा विटामिन कैप्सूल वगैरह लेने पड़ते हैं ठीक है सो दीज आर द नॉर्मल चेंजेस जो होना शुरू हो जाती हैं

वीट रेजेस क्या होती हैं पहले आप ये देख लो अब ये जो स्किन है आप ये देख रहे हो इसमें ये इस तरह से एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस के अंदर यूं जा रही है ठीक है यू नीचे को हो रही है ये जो नीचे की तरफ जा रही है इसको पेग्स या कहते हैं ऐसे जैसे किसी ने इस स्किन को निचली वाली स्किन के साथ कुछ एंकर किया हुआ है ठीक है ये जो यूं नीचे जा रहा है इसको रेजेस कहते हैं सो वट हैपन्स इन ओल्ड एज इज कि ये जो रेजेस होते हैं ये फ्लैटन है. तो होते शुरू हो जाते हैं तो जब ये फ्लैटन होते हैं तो वो जो एपिडर्मिस होती है वो या जो स्किन होती है वो फ्रिजाइल होना शुरू हो जाती है ठीक है वो इतनी सख्ती से नीचे वाली स्किन के साथ जुड़ी नहीं होती वन ऑफ़ द रीज़न जो रिंकलिंग होती है या सैगिंग होती है स्किन की या वेल टोन्ड स्किन नहीं रहती है इस दस फिर ऑबियसली कॉलेजन भी कम होता है अलास्टिक फाइबर्स भी कम होते हैं है, तो इसकी वजह से भी ये फ्लैट होना शुरू हो जाती है रेजेस जो हैं या पैक्स हैं जो पहले नीचे जा रहे थे वो उस तरह से नहीं जाते है. फिर इसके बाद क्या होता है Uh, जब ये सारी की सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जब स्किन पतली हो गई है उसकी सैगिंग ज़्यादा है रिंकलिंग ज़्यादा है तो ब्रेक डाउन के चांसेस भी ज़्यादा हैं अल्सर्स बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं फिर मिलानोसाइट्स कम हो जाते हैं मिलानोसाइड्स का भी आपको बताया था कि जब मिलानोसाइट्स आपकी स्किन कलर मेंटेन कर रहे होते हैं तो कंप्लेक्शन आपकी पेल होना शुरू हो जाती है पहले जिस कलर का था या जितना आ, आ, वीटिश था इंसान या जो भी था वो उस तरह से नहीं रहता ठीक है अच्छा और जब मिलानोसाइड्स कम हो जाते हैं तो जो प्रोटेक्शन दे रहे थे वो यूवी लाइट से वो प्रोटेक्शन कम होना शुरू होती है यूवी लाइट से डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं फिर कलर्स पिगमेंटेशन जो ज़्यादा होती है उसे नेवाई कहते हैं यानी कि स्किन मोल्स हल्के हल्के कलर्ड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी ये चीज़ें तो आप अभी भी नोट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी सात साल पहले पाँच साल पहले की पिक्चर देखें और अब की पिक्चर देखें

स्पॉट्स होते हैं फेस हैंड शोल्डर वगैरह पे नजर आते हैं और ज्यादातर उस जगह पे जो स्किन को एक जहाँ पे स्किन एक्सपोज हो रही हो सन से ठीक है और ज्यादातर ये शुरू होता है फोर्टी की एज के बाद मतलब ये वाली जो चेंजेस हैं पिगमेंटेड चेंजेस जो हैं ज्यादातर अपार्ट फ्राम द मोल्स जो एज स्पॉट्स हैं ये ओल्ड एज में या मिडल एज के बाद जाके शुरू होते हैं अच्छा थिकनेस कम होना शुरू होती है वो थर्ड डेकेड में कम होना शुरू होती है मतलब जब आप बीस साल के बाद इक्कीस साल के होते हैं या सॉरी ट्वेंटी ईयर में जाते हैं ट्वेंटी फर्स्ट ईयर में जाते हैं मीन तो आपकी जो थिकनेस है वो वहीं पे कम होना शुरू हो जाती है और फिर क्वालिटी इलास्टिन की ख़राब होना शुरू हो जाती है या कम होना शुरू होती है जब इलास्टिन की क्वालिटी खत्म होती है तो फिर रिंकलिंग शुरू होती है कॉलेजिन कम ऑर्गेनाइज होता है जितना ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज की पहले थी वो इस तरह से नहीं रहती है अगर आपको पता हो कनेक्टिव टिशू पढ़ा होगा डेंस रेगुलर कनेक्टिविट्यू तो टिशू उतना रेगुलर नहीं रहता उसकी से फिर का जो टर्गर है जिसकी से लगते हैं, वो थोड़े, आ, क्या उसे कहते हैं फ्लेक्सीबल होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से फिर रिंकलिंग आना शुरू होती है वेस्कुलरिटी कम होने की वजह से भी पेल होता हैिटी कम होने की वजह से फेल होता है वेसल्स कम हो जाती हैं कैपलरीज थिन हो जाती हैं और आसानी से डैमेज हो जाती हैं तो इसकी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि आसानी से स्पॉट्स पर्पल से स्पॉट्स बन जाते हैं हल्के हल्के ऐसे जैसे यहाँ पे छोटा सा कोई नील टाइप कुछ पड़ा हुआ है ईजीली ब्रूज हो जाती है स्किन और इन स्पॉट्स को जहाँ पे कैपलरीज थिन हो और टूट जाएँ और अंदर से ब्लड निकले हल्का सा उसे सीनाइल पर्परा कहते हैं ठीक है और सेंसेशंस आपको मैंने भी ऑलरेडी इस पिक्चर में बताया था कम हो जाती है उसके अलावा थिनिंग हो जाती है सबकोटेनियस टिश्यूज की और हाइपरट्रॉफी कहीं पर टिश्यू थिन हो जाता है कहीं पर ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा क्यों हो जाता है सबकोटेस टिश्यू जहाँ पे फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जैसे अभी आपको बताया डॉमिन थाइज में हिप्स में फ़ैट ज़्यादा जमा होना शुरू होता है और बाकी जगह जो है फेस नेक हेड हैंड, हैंड और लेग में जो है वो टिश्यू थिन होना शुरू होता है तो जब जहाँ पे थिन होना शुरू होता है वहाँ पे से नीचे से वेन्स ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाती हैं इसके अलावा हेयर चेंजेस क्या क्या आती हैं मिलानोसाइट्स तो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उसका चेंजेस होनी शुरू रहती हैं पिगमेंटेड जो हेयर था जब मिलानोसाइट जो हेयर की पिगमेंटेशन है वो ख़त्म होना शुरू होती है जिसकी वजह से आपको ग्रे हेयर नजर आना शुरू होते हैं नॉन पिगमेंटेड हेयर नज़र आना शुरू होते हैं ठीक है हॉर्मोन लेवल्स डिक्लाइन करते हैं जब तो फिर क्या होता है प्यूबिक एरियाज़ में एक्जरी एरियाज में हेयर लॉस शुरू हो जाता है ठीक है विमेन uh, में फेशियल हेयर शुरू हो शुरू, आना शुरू हो जाता है और मेन में नेज़ल और ईयर हेयर आना शुरू हो जाता है ठीक है बाल्डनेस भी इंक्रीज करना शुरू होती है ये बाल्डनेस जो है वो कुछ हॉर्मोन्स इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी वजह से होती है ठीक है अच्छा इसके अलावा क्या होता है आ, नेल के कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं येलोनेस आना शुरू हो जाती है उसके अंदर और जो स्... थिक नेल होता है वो टूटने के उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है थीके? और लॉन्गिट्यूडल स्ट्राइशंस लॉन्गिट्यूडनल मार्क्स नजर आना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर ठीक है रूट ऑफ नेल पर डैमेज होता है तो उसकी वजह से वो मार्क्स आते हैं बूढ़े लोगों के नेल्स में अगर आप देखो तो हल्की हल्की सी वाइट वाइट सी लाइंस होती हैं नेल की रूट के पास से ठीक है तो वो नेल का जो मैट्रिक्स है मतलब जो नेल को अगर आप काट के देखो तो उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है फिर इसके अलावा पिगमेंटेड बैंड्स बैंड्स बैंड शुरू जाते हैं इसके अलावा क्या होता है बेटर अटेंडेंस हो जाएगी इसके अलावा क्या होता है uh, आपको बताया था एक्राइन और स्वेट लैंड कम होना शुरू होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जनरेशन में प्रॉब्लम होती है या उसके अलावा uh, ड्राइनेस भी शुरू हो जाती है ठीक है सो स्पेशस ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है और अवेपोरेशन uh, ज़्यादा होती है वाटर की तो ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है उसकी वजह से मतलब वैसे बड़ा हो रहा है काम उसका खत्म हो रहा है अच्छा ठीक है चलो ठीक है बेटा अब यहाँ तक आपका आज की क्लास हो गई आई थिंक इट्स इनफ एजिंग की हमने चेंजेस की हैं अगर आप इस एक डायग्राम को कर लो तो ये बहुत है एजेस को समझने एजिंग चेंजेस को समझने के लिए बाकी जो दो तीन स्लाइड्स और इम्पॉर्टेंट हैं वो ये मोबिलिटी वाली स्लाइड इम्पॉर्टेंट प्रेशर सोर्स कैसे बनते हैं ये वाली स्लाइड्स इम्पोर्टेंट है तीन चार ठीक है बाकी फिर हम इसके बाद डरमाटोलॉजिकल टर्म्स और स्किन लियन हैं वो देखेंगे कि पर्परा क्या होता है पेप्यूल क्या होता है वेजिकल uh, क्या होता है बुला क्या होता है पस्टूल क्या होता है इनके बीच में फ़र्क क्या होते हैं तो ये चीज़ें जो हैं हम होपली नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे ठीक है बेटा डू यू हैव एनी क्वेश्चन सर टोटल कितने लेक्चर्स हैं बेटा टोटल ट्वेंटी के करीब लेक्चर्स हैं सर आपने कहा था कि मेल कर देना अगर अटेंडेंस ना लगे लेट ज्वाइन किया हो तो मैंने मेल कर दी थी मगर मेरी एब्सेंट लगी हुई है बेटा वो हो जाएगी सही इवेंचुअली अभी मैं उसे अपडेट करूंगा पोर्टल को जाके बाद में ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर जी वाले साहब सर मैंने लास्ट क्लास लास में ना मेरा था तो मुझे लिंक भी ये मेल में तो आया नहीं था तो मैंने लेट ज्वाइन किया है तो सारे टेंडर्स का ठीक है कोई मसला नहीं हो जाएगा सर सर भी यही था लिंक नहीं सारे मेल आती बेटा मेल मेल रोजाना नहीं आएगी एलएमएस पे अगर आप जाओ तो वहां पे लिंक दिया हुआ है तो वहीं से आपने रोजाना ज्वाइन करना है एटलीस्ट एंटिल द एंड ऑफ रमजान फिर उसके बाद दूसरा लिंक जनरेट कर दूंगा ओके सर थैंक यू सो मच

हेल्दी न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट ये चीज़ें फ़र्क करती हैं डिहाइड्रेशन से आप स्किन को बचाओ आप यू नो आई मीन इट्स जब आप अक्सर लोगों को जो इंस्टाग्राम in, इन्फ्लुंसर्स होते हैं अक्सर वो बता रहे होते हैं मिसाल के तौर पर ड्रिंक लॉर्स एंड लॉस ऑफ आर स्किन केयर के अंदर ऑफ पीपल टेल यू कि ड्रिंक लॉस इट्स बिकॉज डिहाइड्रेशन से आपने बचाना है सो आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन डू बट यू कैन नॉट स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग बियॉन्ड अ लिमिट ये मैंने शुरू में कह दिया था बिकॉज

हेलो सर जी सर मुझे लिंक शेयर करने दें देन मैं जॉइन कर लेंगे फिर अच्छा ठीक है कर दीजिए